हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो थंबनेल देख के मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है मोटिवेशनल स्टोरीज की। तो आज मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशनल स्टोरी लाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं अपने फ्रीडम के लिए क्या नहीं कर देना, उसकी मैं स्टोरी लाने वाला हूँ। अपने ही फ्रीडम के लिए नहीं, अपनी कम्युनिटी की फ्रीडम के लिए, अपने लोगों के फ्रीडम के लिए कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग मिलके दबाते हैं या बहुत बेकार चीज़ है, उसको कैसे एक इंसान खुद से चेंज कर सकता है, खुद से बिना किसी की हेल्प लिए हुए भी चेंज कर सकता है। तो ऐसी ही एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ नांगेली। तो दोस्तों थोड़ा बहुत लिखूंगा, ध्यान देना लोग, यहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं रहा, जस्ट बता रहा हूँ। आज का जो केरला है, ये कहानी है आपकी एक नांगेली, जो एक औरत थी, एक वुमेन थी, उनकी कहानी है। बहुत ज़्यादा मान सम्मान वाली महिला है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है उन्हीं तरह की आपकी नांगेली है। अब जो केरला है, केरला पहले इसका नाम ट्रेवनकोर हुआ करता था, आप कह सकते हो। ट्रेवनकोर जो था वो एक प्रिंसली स्टेट था। अब इस प्रिंसली स्टेट में एक रूल बनाया गया था, रूल ये था 1729 के आसपास, रूल ये था कि वुमेन्स को, जो लोअर कास्ट वुमेन होती है, निम्न जाति की जो महिलाएं होती हैं, उनको ब्रेस्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। ब्रेस्ट टैक्स क्या होता है? अब जैसे कि ब्रेस्ट टैक्स, या फिर इसको कहते हैं मुलक्करम, मुलक्करम पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि कोई भी बॉडी का पार्ट आपको ढकना है, जैसे ब्रेस्ट उनको ढकना है, तो उसके लिए आप सोच सकते हो उसको कवर करने के लिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। आप सोचो ये कितनी ज़्यादा हीन वाली चीज़ है, कितनी ज़्यादा गंदी चीज़ है, कि मतलब कि आप कह सकते हो क्या फील कोई करता होगा, अगर आप या मैं अगर सिंपथाइज होके, एम्पथाइज होके आप फील कर सकते हो, तो कैसा फील होता होगा उस टाइम पे, और उन लोगों को कैसा फील होता होगा। तो ये कहते वहाँ के जो किंग थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था रूल, और ये रूल स्टार्ट किया था अपर कास्ट के लोगों के दबाव में आके, कि वहाँ पे बाइफर्केशन हो। यही सब चीज़ें हैं जिसने इंडिया को बहुत ज़्यादा पीछे रखा। अगर इन्हीं सब चीज़ों से, अपनी लड़ाइयों से, अपनी चीज़ों से अगर हम बहुत ज़्यादा हटे हुए रहते, अपने कामों के में आगे बढ़े रहते, तो बहुत ज़्यादा ही आगे रहते आज के टाइम पे। तो खैर, हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये आपका दो कम्युनिटी थी वहाँ पे, मेन एक थी इजावा कम्युनिटी, इजावा थी, और एक थी वहाँ पे नाडर कम्युनिटी। तो जो नांगेली थी वो इस कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि नांगेली जो होती है वो टैक्स देने से मना कर देती है, ब्रेस्ट टैक्स। तो नांगेली ब्रेस्ट टैक्स देने से मना कर देती है। ये बात जो वहाँ की कम्युनिटी, अपर कम्युनिटी होती है, उसमें ये बात फैलती है, और वो लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे होगा, बाइफर्केशन कैसे होगा, हम ये होंगे, वो होंगे, वो होंगे। इसी टैक्स में एक और टैक्स हुआ करता था आपका टलक्करम टैक्स। ये टलक्करम टैक्स इन दोनों कम्युनिटी के मेल के लिए हुआ करता था, जिसको हेड टैक्स बोलते थे। ये तो तब भी आपका, आप कह लो कि तब भी आपका बहुत लो चीज, मतलब कि इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। ये हेड टैक्स मतलब कि आपको अगर अपने हेड को कवर करना है, तो आपको ये टलक्करम टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इजावा कम्युनिटी में नंगेली ने क्या किया, एक रिवोल्ट स्टार्ट किया। उसने बोला मैं पे नहीं करूंगी, और प्लस में मैं अपने ब्रेस्ट को कवर करके ही चलूंगी। तो राजा तक ये बात पहुंची, राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा, अपने लोगों को भेजा टैक्स लेने के लिए। अब टैक्स लेने के लिए भेजा, वहां पे राजा के लोग आए, आप तो जानते ही हो कि वो लोग अच्छे नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, वो लोग सारे के सारे गुंडे, एकदम मवाली टाइप के लोग थे। उन्होंने काफी ज्यादा हैरेस किया आपका नांगेली को। नांगेली बहुत ज्यादा परेशान होके घर के अंदर गई, घर के अंदर गई, इन लोगों को लगा कि ये शायद टैक्स लेने गई है। लेकिन नांगेली ने ऐसा कुछ किया जिसको सुन के आपके रो रोंगटे, और मेरे सुनाते सुनाते मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये था आपका, नांगेली अंदर गई, उसने अपना एक ब्रेस्ट चॉप किया, चॉप किया मतलब काट दिया, और एक केले के पत्ते मिला के उन लोगों को दे दिया, और बोला मैं टैक्स पे नहीं करूंगी। ये रिवॉल्ट था नांगेली का। अब
वो जो अब कोई भी बॉडी पार्ट कट होता है वहां से ब्लड फ्लो होता है और हमारी बॉडी में लिमिटेड ब्लड है, तो अगर वो सारा का सारा फ्लो आउट हो जाए और इस तरह का आपका कुछ एक्सीडेंट हो तो इंसान का बचना तय नहीं है। तो उसी टाइम आप कह लो कुछ उसी दिन कुछ ही आप समय में लेके नांगेली की हो जाती है डेथ। नांगेली की डेथ होती है उसको जब मतलब जब उसको अग्नि दी जाती है, उसका हस्बैंड होता है चिरुक अंदन, उसका हस्बैंड होता है, वो हस्बैंड फर्स्ट मेल सती करता है। फर्स्ट मेल सती का मतलब है कि वो भी आपका अग्नि में कूद जाता है और वहां पे अपने प्राण दे देता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा ये जो कम्युनिटी थी इजावा, ये बहुत बड़ा रिवोल्ट आपका क्रिएट करती है और इस रिवोल्ट के चलते वहाँ पे होता है राजा बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है, और प्रेशर में आने के बाद आपका इजावा कम्युनिटी से, इजावा नाडर कम्युनिटी से भी नहीं हटाया तब भी, इजावा कम्युनिटी से वो ब्रेस टैक्स हटा देता है और उनपे कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं लगते। ये 1729 से चलते चलते यहाँ पे 1803 में आके कंप्लीट खत्म हो जाता है। 1803 के बाद 1859 में भी होता है ये इन कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, और 1924 में आके ये कंप्लीटली टलक्करम मुलक्करम ये सारे जो टैक्स थे ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज भी नांगेली को पूजा जाता है। आप जब जाओगे केरला तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा जाता है नांगेली की, वहाँ पे मूर्तियाँ हैं उनको अच्छा खासा पूजा जाता है। उस प्रदेश का भी नाम, उस जो जगह का नाम है उसका भी नाम मुलच्ची परम्बू रखा गया। मुलच्ची परम्बू मतलब जो लैंड ऑफ ब्रेस्टेड वूमेन, ये उनके ऑनर में रखा गया है ये नाम। सोचो कितना ज़्यादा उनके अंदर एक आग होगी सोसाइटी में कुछ चेंज करने की, और सोसाइटी में चेंज करने से पहले उन्होंने खुद में चेंज किया, खुद ऐसा कुछ करके दिखाया कि सोसाइटी चेंज हो। आज के टाइम पे सोच सकते हो ऐसा साहस क्या होगा, कैसे होगा। आज के टाइम पे कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता क्या जा रहा है, आपका पिछले साल से था लेकिन लोगों ने इतनी लापरवाही की, इतनी लापरवाही की, मास्क नहीं पहना जाता लोगों से, अब घर में बैठ के डरे हुए हैं, बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा टू माइंडेड थ्री माइंडेड पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी गलती मत करना, सोचना आप कि इतनी ज़्यादा ये मोटिवेशनल स्टोरी है कि अगर आपको कुछ भी चेंज करना है सबसे पहले खुद में चेंज लाना पड़ेगा। आज तो क्या है कि सब दूसरे को ही उपदेश देते हैं, भाषण देते हैं कि ऐसा वैसा वगैरह 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 वगैरह। तो दोस्तों ये थी आपकी स्टोरी नांगेली देवी जी के बारे में, उनके एक रिवोल्ट के बारे में। तो जैसा हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जी जानी मानी जाती है, साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नांगेली देवी बहुत ज़्यादा जानी मानी जाती है। तो दोस्तों इसी तरह की स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज आपके पास आती रहेंगी एकदम एक से एक मोटिवेशनल स्टोरीज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपका ही चैनल, चैनल का नाम शेषन झा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखते रहें, बाकी भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।